हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो वाई वन एस एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है वाइब्रेट फोन नोटिफिकेशन सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाइब्रेट फोन नोटिफिकेशन सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अभी आपका पेज ओपन होगा, इसमें आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा वाइब्रेट फोन नोटिफिकेशन। इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये बटन दे रखा है, इस बटन को आपको टैप करना है, ठीक है। तो ये बटन आपका जो है ब्लू कलर में इस तरीके से ऑन हो जाएगा, यानी कि आपकी ये सेटिंग इनेबल हो जाएगी, ठीक है। अब ये वाइब्रेट फोन नोटिफिकेशन सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन पे कभी भी नोटिफिकेशन आएगा ना, तो आपका मोबाइल फोन जो है ना वाइब्रेट करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाइब्रेट करेगा, आपका फोन जो है नोटिफिकेशन की साउंड को भी क्रिएट करेगा, लेकिन साथ ही साथ वाइब्रेट भी करेगा आपका मोबाइल फोन, ठीक है। तो ये वाइब्रेट फोन नोटिफिकेशन सेटिंग जो है इनेबल करने के बाद इस तरीके से काम करेगी आपके मोबाइल फोन में, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कैसे आप ये वाइब्रेट फोन नोटिफिकेशन सेटिंग को अपने मोबाइल फोन में आप शॉर्टकट तरीके से कैसे ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये जो आपके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज है इसे आपको फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। सेटिंग पेज को फिर से ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलेगा सर्च आइकन का, इसे आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है वाइब्रेट फोन नोटिफिकेशन, ठीक है। इस तरीके से तो आपको जो है ना नीचे की साइड ना ये ऑप्शन शो हो जाएगा वाइब्रेट फोन नोटिफिकेशन का, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर आपको ना एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप ये सबसे ऊपर सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ऑप्शन नीचे की साइड शो हो जाता है तो इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे होता क्या है, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में आपको लेकर आ जाता है और इसे हाईलाइट करता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।